नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में पेडियाट्रिक हेमाटोंकोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में कंसल्टेंट के पद पे काम करता हूँ। सो पेडियाट्रिक हेमाटोंकोलॉजी जो स्पेशलिटी है, ये वो स्पेशलिटी है जिसमें जिसके डॉक्टर्स होते हैं वो बच्चों के ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। सो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, जिसका बारे में बात करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ल्यूकेमिया क्या होता है। सो ल्यूकेमिया होता है कि किसी भी टिश्यू की सेल्स का अनहिनिबिटेड, मतलब कि अनियंत्रित तौर पर बढ़ना। सो आप ऐसे समझें कि हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों सेल्स रोज़ नई पैदा होती हैं, हज़ारों सेल्स रोज़ मर जाती हैं। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर कोई भी जेनेटिक चेंजेस अगर सेल्स के अंदर होता है, कोई भी डीएनए के लेवल पे ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से कोई भी सेल्स अगर नहीं मरती हैं तो वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती हैं। इसी को ही कैंसर कहते हैं। और जब ये प्रक्रिया एक ब्लड बनाने वाले सिस्टम में, जिसको हेमेटोपोएटिक सिस्टम कहते हैं, उसमें होती है तो इसको ब्लड कैंसर का नाम दिया जाता है। सो ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का मेडिकल नेम है। सो आप अपने ब्लड बनाने वाले सिस्टम को इस तरह के समझ सकते हैं कि जैसे अपना जो ब्लड होता है वो हड्डियों के अंदर बनता है। हड्डियों के अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। आप उसे ब्लड की फैक्ट्री मान सकते हैं। तो इसी बोन मैरो में से ही एक स्टेम सेल्स होती हैं जिससे अपने शरीर में जो ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल में होता है, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में मेंटेन रखना। वाइट ब्लड सेल्स का काम यूजुअली तौर पे होता है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना और इन्फेक्शन से बचा के रखना। प्लेटलेट्स का काम होता है अपने शरीर में कोई भी ब्लीडिंग होती है उसको उस जगह पे जाके क्लॉट बना के रोकना। सो ब्लड ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो अपने शरीर की जो वाइट सेल्स होती हैं ये अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती हैं और ये बोन मैरो में जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ओवर द टाइम मरीज में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सुस्त हो जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो पीला लगने लग जाएगा बच्चे को, और बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई तो वो सीवियर एनीमिक हो जाएगा जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है वो पूरा सफ़ेद पड़ जाएगा। ठीक है, सीवियर अगर एनीमिया होगा तो बच्चे के हार्ट फेलियर के फीचर भी आ सकते हैं। इसी तरह जब WBC किसी बच्चे में कम होती हैं या डिसफंक्शनल होती हैं या ठीक से काम नहीं करती हैं, कैंसर की सेल्स जब बॉडी के अंदर अच्छा खासा लोड में होती हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, काफ़ी सारे इन्फेक्शन। तो ऐसे बच्चे किसी भी कारण से वो इन्फेक्शन के लिए बार बार ट्रीट किए जाते हैं बट उनका बुखार उतरता नहीं है। और इसी तरीके से बच्चों में ब्लीडिंग की समस्याएं हो सकती हैं। ब्लीडिंग मतलब नाक से नक्सीर आ गई, गम से ब्लीडिंग आ गई, शरीर पे काले काले चकते हो गए, बच्चे के लीवर और तिल्ली बड़े हो जाते हैं, उसकी हड्डियों में दर्द होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये हमको कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि इस बच्चे को ल्यूकेमिया हो सकता है। तो जो नॉर्मल बच्चे के डॉक्टर जो होते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, इस बच्चे को कैंसर हो सकता है और मैं इसके लिए आगे से इसकी जांच करवाऊँ। सो ब्लड कैंसर एक समूह है 3 से 4 कैंसर्स का जो बच्चों में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो होता है, ALL जिसको आम तौर पर बोलते हैं अपन, ये एक सबसे कॉमन कैंसर है बच्चों में, जो सबसे ज़्यादा 75% ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये बच्चों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है BALL। उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कैंसर जो बच्चों में अपन देखते हैं ब्लड कैंसर, वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं AML। और इन दोनों के अलावा कुछ और कम कॉमन कैंसर हैं जैसे कि जुवेनाइन माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे JMML कहा जाता है, और एक होता है CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। सो ये कुछ ब्लड कैंसर्स के नाम हैं। सो जब भी किसी को ब्लड कैंसर के सिम्टम्स लगें या ऐसा उसके जो इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा लगे कि इसको ब्लड कैंसर हो सकता है तो उसको जल्दी से जल्दी CBC विद पेरिफेरल स्मियर का सिंपल टेस्ट कराना चाहिए जो हर छोटी से छोटी लेबोरेटरी में भी होता है। अगर आपको हीमोग्लोबिन कम मिलता है, प्लेटलेट्स कम मिलती हैं, वाइट सेल्स बहुत बड़ी हुई मिलती हैं, वाइट सेल्स का एक स्पेशल कंपोनेंट न्यूट्रोफिल्स काफ़ी कम मिलता है, या पेरिफेरल स्मियर में कुछ एटिपिकल एबनॉर्मल सेल नज़र आती हैं जिनको ब्लास्ट बोलते हैं, सो ये ब्लड कैंसर हो सकता है। ऐसी स्टेज में हम मरीज का डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए सिंपल एक नीडल लगा के हिप बोन से टेस्ट किया जाता है जिसको बोन मैरो टेस्ट कहते हैं।
ये रिलेटिवली पेन फ्री टेस्ट होता है। बच्चे को हम नींद की दवाई दे देते हैं जिससे बच्चे को दर्द या तकलीफ ना हो, और वहाँ से सैंपल लेके उसकी स्लाइड बना के देखी जाती है और उसमें कंफर्म किया जाता है कि इस बच्चे को ब्लड कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो वो किस टाइप का है, वो ALL है या AML है या JMML है या CML है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट जो जेनेटिक टेस्टिंग्स के लिए, मॉलिक्यूलर टेक्निक के लिए भेजे जाते हैं, जो ये सब टेस्ट मिलकर बच्चे की डायग्नोसिस करते हैं और उसकी अल्टीमेट रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं किसी भी ल्यूकेमिया में। उसके बाद हम फैमिली को समझाते हैं कि आपके बच्चे को इस पर्टिकुलर टाइप का ल्यूकेमिया है। सो ल्यूकेमिया का इलाज आज के टाइम में, आज से 20-25 साल पहले माना जाता था कि ल्यूकेमिया किसी को हो गया तो वो टिकट टू डेथ है, मतलब कि बच्चे की मौत निश्चित है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। ल्यूकेमिया एक बहुत ही, इसका बहुत ही संपूर्ण और कारगर इलाज है। ये आज लाइलाज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आज की डेट में अगर हम ALL की बात करें तो स्टैंडर्ड रिस्क ALL की अगर अपन पर्टिकुलर बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 90% बच्चे हमेशा के लिए एक बार के इलाज से ठीक हो जाते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी आपकी और मेरी तरह जी सकते हैं। जब हम कहते हैं कि 90% ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट 90% ठीक होगा। 90% का मतलब होता है जब हम ऐसे 100 बच्चों को जिनको ल्यूकेमिया है ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 85-90% बच्चे एक बार के इलाज से हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, उनमें बीमारी हम परमानेंट क्योर हो जाएगी विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट और वे एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। जो 10-15% बच्चे जो बच जाते हैं जिनमें बीमारी एक बार के इलाज से ठीक नहीं होती, उनमें हमें फिर ट्रीटमेंट की ताकत बढ़ा के इलाज देना पड़ता है, बट उनमें से भी हम ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। अगर अपन AML की बात करें तो रिज़ल्ट ALL से थोड़ा सा हम मानेंगे कि कम होता है, बट यस ऑलमोस्ट 60-65% पेशेंट जो AML के होते हैं वो एक बार के इलाज से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। जो कैंसर के इलाज में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये कीमोथेरेपी मुँह से भी हो सकती हैं कुछ दवाइयाँ, और कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन से होती हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ दवाइयाँ जो हम देते हैं ल्यूकेमिया के इलाज में वो इंजेक्शन से होती हैं। सो जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं बच्चे को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मुँह में छाले आना, कभी ब्लड कम हो जाना, कभी प्लेटलेट कम हो जाना, ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, मुँह में अल्सरेशन हो सकते हैं टेम्परेरी, कुछ महीनों के लिए बाल जा सकते हैं, कभी वॉमिटिंग वगैरह का टेंडेंसी रह सकता है, कभी को जॉन्डिस हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट छोटे मोटे होते हैं और ये पूरा जब तक इंटेंसिव ट्रीटमेंट चलता है तब तक रह सकते हैं। हर मरीज में सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और मेजॉरिटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ साइड इफ़ेक्ट विद द जैसे ही ट्रीटमेंट की ताकत हम कम करते हैं वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस होगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट उसको ज़िंदगी भर रहे, ऐसा बहुत ही आम नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो आजकल के जो सपोर्टिव केयर ओवर पिछले 20-25 साल में इम्प्रूव हुई है, दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, सो बहुत ही कारगर तरीके से हम ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कर पाते हैं और बच्चे को नॉर्मल और आम ज़िंदगी दे पाते हैं। जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हम बच्चे को लेट इफेक्ट के लिए, उसके हार्ट पे कोई लेट इफेक्ट तो नहीं आ रहा, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी प्यूबर्टी, उसकी सेक्सुअल ग्रोथ कैसी हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, जिससे कोई भी हमको इंटरवेंशन लेनी पड़े तो हम उसके उसको जल्दी से जल्दी ले पाएँ और बच्चे को नॉर्मल ज़िंदगी दे पाएँ। सो मेरे इस डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप लोग बिल्कुल ना समझें कि ल्यूकेमिया कारगर नहीं है। ल्यूकेमिया आज के डेट में बहुत ही जल्दी आराम से ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमको इसमें चाहिए होता है कि जो भी अब बच्चे का जहाँ भी इलाज करा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए स्पेशल टीम हो, एक्सपर्ट नर्सेस हों, और जो पेरेंट्स जिस को हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ट्रीटमेंट के टाइम पे, उसकी हाइजीन के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसकी घर पे केयर करने के लिए, वो सब पेरेंट्स डिसिप्लिन से फॉलो करें, सो हम ये लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। सो जो आज से 20-25 साल पहले हम ये मान के चलते थे कि जहन में एक ही सवाल आता था ल्यूकेमिया मतलब डेथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस बात समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में ये बात शेयर करें कि किसी को भी अगर ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस ऐसा लगता है, हो सकता है या हुआ है, तो वो एक्सपर्ट से मिलें और अपना इलाज करें। थैंक यू सो मच।